अस्सलाम वालेकुम। ओके, मैंने आपको भी एक चीज़ दिखानी है जो मैं यूके से लेके आया हूँ। इस एक आला एक टूल के बलबोते पे कंधे पे आप पूरी नर्सरी स्टार्ट कर सकते हो। नर्सरी का बिजनेस क्या होता है? क्या करो, आप एक टमाटर ले लो, 10 रुपए का अगर फर्जन आप टमाटर लेते हो, उसमें 200 से ज्यादा बीज होते हैं। आप उन बीजों को जमीन में भिगो देते हो, बो देते हो, तो क्या होता है, 6 दिन के बाद उसकी वो जो पौधा है वो निकल आता है, 9 दिन के बाद वो अपना हो जाएगा 1 इंच 2 इंच का। फिर अगर आप उसको 30 दिन रहने देते हो तो वो 6 इंच 8 दिन का पौधा हो जाता है। वही जो 200 बीज आपको 10 रुपए के मिले हैं और टमाटर भी आपने खा दिया, उसकी जो जिल्द है वो आपने खा दिया, आपने सिर्फ जो बी है वो रखे, तो क्या होता है कि अब उसकी वैल्यू एक जो पौधा है उसकी आम मार्केट में, फार्मिंग मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए, यानी उस वक्त जब अपना मार्केट फ्लड हुई है, लेकिन ऑफ सीजन पे 6 रुपए 7 रुपए भी दिए जाते हैं एक पौधे के, जिसे हम पनीर बोलते हैं। सो आप सोच लो, वही जो चीज थी एक महीना पहले 10 रुपए की थी, अब वो 200 रुपए की है, 400 रुपए की है, या 800 700 रुपए की बन जाती है, 1400 की भी जा सकती है। ओके, सो आप उसकी वैल्यू देख लो। ये है वैल्यू फार्मिंग की, अपना नर्सरी की। अब नर्सरी लगाने का मैं तरीका आपको, मैंने ये टेंट पर दिखाया कैसे बनता है। इसमें मैं 21,000 पौधे लगाऊंगा, ये दरमियान में चलने का रास्ता होएगा, और यहाँ पे मैं 21,000 पौधे लगाऊंगा। मैंने लगाने अपना तरबूज के लगाने हैं, दवाना जिसको हम बोलते हैं, तरबूज ही बोलते शायद उसे। ये मैंने काफ़ी वराइटीज जो है ना लाई हैं जेलम शेर से, अपनी देसी भी लेके आया हूँ, बाहर की भी लेके आया हूँ, जहर मिक्सचर हमने लगाना है। अच्छा, मैंने कैसे यहाँ पे 2100 फिट करने हैं इस आले से? ये एक जो आला है ना, आपकी पूरी नर्सरी रन कर सकता है। ये मैंने 14 पाउंड यानी ऑलमोस्ट 2000 रुपये का ये लेके आया हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे इसकी कोई नकल बनाएगा ना, क्योंकि मैं 2 लेके आया हूँ, मैंने किसी न किसी को दिखाने हैं, फिर मैं आपको दुकान भी बता दूंगा कि कहाँ से वो उसकी नकल बना रहे हैं। ये छोटी छोटी यानी गमले से बनाता है, एक क्या कहते हैं मिट्टी के वो कहते हैं गोले से बनाता है, जिसमें हम बी लगाते हैं और फिर उसकी हिफाजत करते हैं। ये ट्रेस जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इनमें 45 ये आते हैं, यहाँ पे एक ऐसे रखते जाते हैं, 45 फिट आते हैं। ये हमने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर क्या है, थोड़ी सी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी ले लो आप, जहाँ से यही ज़मीन हमने वहाँ से उखाड़ के इसमें डाली है, ज़्यादा इसमें खाद है, उसको छान लीजिए, यानी उसमें जो पत्थर हैं, जो बड़े पीस हैं वो निकाल दीजिए। हमारी जो छाननी है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की है। आपसे अगर थोड़ी पतली होती है तो आप वो भी ले लो, क्योंकि अभी हमने बाज़ार से लाई, हमने आम जाली लेके हमने एक बनवाई है। तो मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर सिंपल है, ये हमने जो जिसे गोबर कह लो, हैल कहते हैं हम, ये ले ली, इसमें मिट्टी हमने मिला दी। आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में इसमें वो मिट्टी कम है, जो गोबर ज़्यादा है, क्योंकि पहले का यहाँ पे सूखा हुआ था और हमारे पास मिट्टी कम थी, इसलिए हमने ऐसे बनाया। आप थोड़ा सा 50-50 रेशियो रख लो, 50% मिट्टी होनी चाहिए, 50% गोबर, क्योंकि हम लगा रहे हैं तरबूज, हम इसमें पोटेशियम डाल रहे हैं। पोटेशियम मिठास के लिए होता है और साइज के लिए होता है, और ये सिर्फ हमारे जहाँ तक नॉलेज है ना, यानी जा रहे हम डाल रहे हैं अपना, हम टमाटर में ये नहीं डाल रहे, किसी और में नहीं डाल रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये तरबूज में डाल रहे हैं। मेरे पास छुरी नहीं है, मैं ज़्यादा जो सुराख है वो भी नहीं करना चाह रहा। हमने दानेदार वाली ली है सॉलिड, इसको इतनी सी हमने बस ली, इसमें फैला दी, ठीक है, वो होता ना हसबे जायका, अपने मजे अपने मुताबिक आप लगा लीजिए, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में ये फॉर्मूला, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खर्चना चाह रहा। आप देख सकते हैं इसमें वो परोया हुआ, इसमें ठीक पानी लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा पानी कितना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, इतना डाल देना है। अभी तो शायद मेरे बैटरी भी मारी है, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ, रिजल्ट शायद बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कि जब आपने पकड़ ली ना, तो ऐसे जब आप मिट्टी उठाते हो ना ऐसे, तो टूटे ना, यानी एक यानी जैसे कबाब बनाते नहीं आप, हम क्या कहते हैं कोफ्ते बनाते हैं ना, ऐसे गोला बन जाएगा, जब ऐसे गोला बन जाएगा ना, समझो आपकी जो है ना मिट्टी तैयार हो गई। ज्यादा हो गया, छोड़ सकते हैं, सूखा डाल देते हैं। अगर आपने कभी आटा गूना है तो आपको
ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसकी बनाने की। हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, मैं आपके उसके लिए बना रहा हूँ। बाद में हम ये बेलचे से और कई से बनाएंगे बाहर, सीमेंट की हमारे पास वो पराठी सी बनी हुई है। अच्छा ये हो गया, ये मेरे यानी मैं इस पर इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी बैटरी जा रही है, मैं ना चार्जर भूल गया हूँ। मेरे पास सोलर चार्जर था, मैं भूला नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया हूँ, मैं चाह नहीं रहा तो बहुत बड़ा जेब में नहीं आता। फिर गाड़ियाँ हमारे पास तीन चार है, बस क्या होता है, एक ले जाता है दूसरा ले जाता है, हमारी तो है नहीं, हम भी मांग मांग के आते हैं, मेहमान आए हुए हैं। ओके रेडी, ये चीज़ है। अच्छा इसमें अभी देख रही हो छोटी सी वो दाना सा बना हुआ है, इसमें बीज जाता है। तो ये ऐसे डाला, दबाव डाला ऐसे, होपफुली मैं मसाल देता, आप समझते हो, समझदार हो, नहीं अभी ना इसमें फर्क है, लेकिन मैं एम ईसा एक निकाल के रख देता आपके लिए। ये ले लिया ऐसे रखा और यहाँ पे प्रेशर लगा के ना दबाया और इसको उठा लिया सांचे को। ये हमारी बन गई कुपियाँ, इसमें आपने यहाँ पे बीज डालना है और फिर लास्ट एंड पे ना थोड़ी सी मिट्टी ना ऐसे भरूर देनी है इसके ऊपर। ओके मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला लाने पे ये हम पहले से अब लगानी पड़ेगी हमें। आप ये ना कीजिएगा क्योंकि मेरा उंगली काटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अल्लाह को याद करिएगा हर वक्त, क्योंकि रिस्क वो देता है, हम सिर्फ ना ये जो होते हैं ना एक्शंस वो हम करते हैं, रिस्क वो देता है। इसमें डाल दी थोड़ी, इसमें थोड़ी डाल दी, इसमें थोड़ी डाल दी, इसमें थोड़ी डाल दी, आप बेशक थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल दो। ये जी होगी नर्सरी। अब क्योंकि मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मेरा वन यूनिट दिमाग हो जाऊँगा ये मैं 72 बना सकता हूँ फी 2 मिनट्स इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद है आपको आइडिया पसंद आया। एंड अगर आपको नर्सरी खोलनी है जी बिस्मिल्लाह, इतनी सी जगह पे बड़ी सी नर्सरी खुल जाती है। आप गुलाब लगा लो या कोई, आप कोई सी भी नर्सरी लगा लो, हर सीज़न की जो आप देखो जो भी आपका होता है आप लगा लो इंशाल्लाह। यू नो आपके इलाके में जो भी चीज़ चलती है, घर वालों के लिए आप वो पुदीना लगा लो, आप धनिया लगा लो, वट एवर, ठीक है इसमें चल जाएगा। जब ये हो जाएंगे ना, ज़ाहिर है बाद में बताऊंगा कि जब बड़े होते जाते आप इनको मूव करते जाओ, उनके फैलाते जाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको मुफ्त के पड़े हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये आप देख सकते हो इसमें, ये हम तकरीबन ये 30 से 40 दिन इनको यहाँ पे रखेंगे, 5 दिन के बाद पौधा निकल आएगा और उसके बाद इसको तकरीबन यहाँ पे 30 दिन से 40 दिन यहाँ पे रखेंगे, फिर हम ज़मीन में लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है हमें पता चल जाएगा, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि बूढ़े वाला कौन सा है, मर कौन सा गया है, जिंदा कौन सा है, अच्छे वाला कौन सा, अच्छे वाले लगा दिए, बूढ़े वाले फेंक दिए, ठीक है जो कमज़ोर हैं। और अगर आप नर्सरी चला रहे हो अगेन, उस पर जो मर्ज़ी आपको लगाना है, आपको फर लगाना है, आपको टमाटर लगाना है, जो मर्ज़ी है लगाओ, आपकी अपनी मर्ज़ी, मैं नहीं बताता आपको अपने इलाके में जो मर्ज़ी लगाओ। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अगेन आपको एक चीज़ दिखाई है जो यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाती, मैं सिखाता हूँ आपको। ओके आपका भाई आज़ाद चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम। ये क्विक सी एंड पे वीडियो की मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये पूरी ट्रे तैयार होगी, इसमें 48 बने हैं, 45 मैंने कहा था बनते हैं कि वो कैलकुलेशन थी, अब पक्की बात होगी ये 48, इसमें थोड़े कम है क्योंकि एक हमने कम डाली है लाइन। ये वो हैं जो आपके सामने डेमोंस्ट्रेट किया था, तो उसमें 44 है, इसमें 48 है, और यकीनन हम सब में ना 48 डाल लेंगे इंशाल्लाह। ओके ये ट्रे कितने ने पीछे चौधरी 30 रुपीज़, चौधरी नहीं है बस पान पान करके कहता हूँ भाई है, 30 रुपीज़ की ये ट्रे मिली थी बाजार में, हमने कल ढूंढ लिया, 170 मांग रहे थे, कोई 300 मांग रहा था, एक जगह पे हमें 30 रुपये की मिली, हमने 100 उठा ली, अभी और मिली तो हम वो भी उठा लेंगे, काम काम आ जाती है। अब ना असली काम शुरू होने वाला है, शायद एक मजदूर साथ लगाएंगे जो रिपेटेटिव टास्क हमारे साथ कर सके, ये दो लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमें जल्दी। अब ओके सलाम वालेकुम।